नमस्कार दोस्तों, आप लोग का मैं फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जल संसाधन विभाग में भर्ती निकाली गई है और यह जो भर्ती है बिना परीक्षा का आपका चयन होगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, डायरेक्ट भर्ती है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने ग्रुपों में और अपने दोस्तों में, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो लाऊं आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं कि जल संसाधन विभाग में भर्ती निकाली गई है, कितने अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्वालिफिकेशन लगेगी, और यहाँ पर देख ही रहे हैं कि आपका बिना जो परीक्षा का है आपका चयन होगा। दोस्तों, इस बात को आप ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं और आपको बताते हैं। और हाँ, बताने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो लाऊं आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, आप जैसे देख सकते हैं कि जो ये जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अल्प अवधि यानी संविदा की भर्ती निकाली गई है, जो कि आप संविदा जानते हैं, संविदा के आधार पर भर्ती निकाली गई है। और यहाँ पर लिखा गया है कि अनुभाग अधिकारी के रिक्त पदों को भरा जाएगा और इसके अलावा आवेदन फार्म करने से संबंधित सारी जानकारी आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। तो ज़रूर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको भी बताएंगे कि कैसे करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो डेट है, बहुत अभी अलार्ट डेट अभी ज़्यादा दिन था, 7 फरवरी 2024 तक रखा गया है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर 22 दिसंबर को ये फार्म भरना स्टार्ट हो गया था। तो कैसे फार्म भरा जा रहा है, तो ये भी आपको बता दें कि यह जो फार्म है ऑफलाइन तरीके से फार्म भरा जा रहा है, और आपको बताएँगे कि फार्म डाउनलोड कहाँ से करना है और कहाँ पर भेजना है, सब इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा, और वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको बताने से पहले हम बता देते हैं कि आयु सीमा आपकी क्या होगी, क्योंकि ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेन होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप इस फार्म को भरना चाहेंगे तो आपकी जो मैक्सिमम आयु है 56 वर्ष तक होना चाहिए। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपकी अगर मैक्सिमम आयु 56 वर्ष तक है तो आप इस फार्म को भर पाइएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप फार्म को भरेंगे तो आयु सीमा को प्रमाणित यानी कि आपका जो एज सर्टिफिकेट है वो भी आपको लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आयु सीमा को प्रमाणित करने के लिए आवेदन फार्म के साथ में उचित दस्तावेज संलग्न करें। तो दोस्तों, आपको एज सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, जो कि बर्थ सर्टिफिकेट कह सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात कीजिए यानी क्वालिफिकेशन इसे कहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया कि जल संसाधन विभाग अनुभाग अधिकारी पदों पर भर्ती आवेदन करता है के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक पास रखी गई है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप किसी भी विषय में स्नातक डिग्री धारी हैं, तो दोस्तों वह जो कैंडिडेट हैं इस फार्म को अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको विस्तृत यानी में जानकारी चाहिए, पूरा फुल डिटेल से चाहिए, तो दोस्तों देखिए, नोटिफिकेशन का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप ज़रूर आप जाके उसे डाउनलोड करके रीड करिएगा अच्छे से। और फॉर्म को कैसे भरना है ये भी आपको बताएंगे अभी, कह सकते हैं ये आवेदन कैसे करना है। ये जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि ये फार्म जो है कि ऑफलाइन तरीके से ये फार्म भरी जा रही है, कोई ऑनलाइन तरीका नहीं है फार्म को भरने के लिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जल संसाधन विभाग अनुभाग अधिकारी पदों पर भर्ती का आवेदन फार्म करने के लिए निम्न चरणों का पालन करना आवश्यक होगा। तो दोस्तों देखिए, आपको यहाँ सब जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो लिखा गया है मैं जो PDF का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधा डाल दिया हूँ, आप ज़रूर जाकर उसे डाउनलोड करिएगा और नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कीजिएगा। अगर आप इस फार्म को भरने के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो आप ज़रूर इस फार्म को भरिएगा। और दोस्तों, सबसे पहले आपको ये भी बताएँगे कि कितने पद पर वैकेंसी निकाली गई, तो चलिए आपको दिखाते हैं अभी। और दोस्तों, ये दिखाने से पहले आपको यहाँ पर देखिए फार्म को ऑफलाइन भरना है, जो कि आपको पता है, और यहाँ पर एड्रेस नोट कर लीजिए, ये वीडियो को स्किप कीजिएगा, और यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, इसी एड्रेस पर इस फार्म को फिल करके भेजना है, सारे डॉक्यूमेंट लगा कर भेज देना है इसी एड्रेस पर, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन है जल संसाधन विभाग का, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये नोटिफिकेशन इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो दोस्तों, आपको देख लेना है, जो कि हमें आपको बताया कि आपको स्नातक पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, अगर आप स्नातक पास हैं तो आप इस फार्म को भर पाइएगा। और मैक्सिमम एज 56 वर्ष है, ये भी हमने आपको बताया है अभी।
दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि फॉर्म को भरना क्या है। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि किस पोस्ट पर वैकेंसी आपको भरा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल वन पोस्ट है, यानी एक ही पोस्ट पर वैकेंसी भरा जा रहा है और सेक्शन ऑफिसर के पद पर यह भर्ती हो रहा है। दोस्तों अगर आप इस फार्म को भरने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर इस फार्म को भरिएगा। और यहाँ पर जो सैलरी है आप देख सकते हैं कि अगर दूसरे वेतन के अनुसार आपको 9300 से लेकर 34800 रुपये दिया जा रहा है। इसमें पे ग्रेड है 4600 का और लेवल सातवें अनुसार आपको 44900 से लेकर 1,42,400 रुपये प्रति मंथ दिया जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, आप जरूर इसे आकर नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर आपको टोटल बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन का लिंक दे दिया हूँ। तो देख सकते हैं कि ये ऑफलाइन फॉर्म है, बायोडाटा पर फार्मा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पर नेम लिख लेना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डेट ऑफ रिटायरमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। तो दोस्तों आपको ये सब फिल करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारा ये फॉर्म है जो कि आपको फिल करना पड़ेगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों देख लीजिए कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, ज़रूर आप जाके इसे रीड करिएगा और फॉर्म को भरना। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर फॉर्म को फिल करिएगा। आपको बता दिए कि ये फॉर्म एक सिर्फ एक ही पोस्ट पर फॉर्म भरा जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर हमारी वीडियो पसंद आए, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो लाऊंगा इस चैनल पर आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इस वीडियो को सबसे पहले देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।